किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को जिला मंत्री उत्तर प्रदेश किसान सभा शिव वचन के नेतृत्व में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप सभी फसलों को लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम किसानों को दिया जाए और लागत कीमत घटाई जाए। इस अवसर पर कई किसान उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंत्री उत्तर प्रदेश किसान सभा शिव वचन यादव ने कहा, पंती सरकार किसानों से जो भी वादा किया उससे मुकर गई है। किसान की स्थिति बदहाल हो गई है। मोदी सरकार किसानों के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के नाम पर सत्ता में आई। योगी सरकार किसानों के कर्ज माफी के नाम पर सत्ता में आई। आज किसान विरोधी नीतियां ये सरकारें लागू कर रही हैं, जिससे किसान खेती छोड़ करके पलायन कर रहा है। आज किसान और मजदूर की दुर्दशा है। मनरेगा का काम बंद हो गया है, मनरेगा में पैसे नहीं मिल रहा है, लोगों को राशन कार्ड बंद किया जा रहा है, अनाज देना बंद किया जा रहा है। आज हम पूरे देश में हर जिले पर किसान सभा की इकाई, मजदूर संगठन, महिला समिति, सभी लोग संगठित होकर हर जिले में गिरफ्तारी दे रहे हैं।